हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए आज एक मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। ICSE KFAQs आए हैं, बरोबर। न्यू सिलेबस पे काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो गए थे, बस दो तीन क्वेश्चन और हैं जो अभी सॉल्व हो गए हैं। काफ़ी लोग उस पर भी अभी भी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। ICSE का भी क्लैरिफिकेशन आ गया है। और एक चीज़ जो साइलेंट है अभी तक, उसके बारे में भी मैं अपना ओपिनियन आपको बता दूंगा। तो देखिए क्या अपडेट आया है ICSE का। देखिए FAQs आए हैं काफ़ी सारे, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। जो काम काम के MCQ हैं, जो FAQs हैं, जो नए अपडेट्स देते हैं, मैं वो सब आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो क्यों न्यू सिलेबस लाए, वो उन्होंने जस्टिफाई किया है, बहुत सही लिखा है वो। फिर यूनिक क्या है कि इन्होंने प्रॉपर डिवाइड किया है, अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है कि क्या नॉलेज एक कंपनी सेक्रेटरी को होना चाहिए कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए। तो उन्होंने प्रॉपर डिवाइड किया है, ठीक है। क्या है, कोर एरियाज और हाइब्रिड, ऐसे उन्होंने डिवाइड किया है। तो काफ़ी उन्होंने प्रॉपरली एनालाइज करके न्यू सिलेबस ड्राफ्ट किया है, ठीक है। फिर है, उन्होंने पूरा दिया है कि क्या कोर एरियाज हैं, कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ, ये दो बहुत बड़े कॉरपोरेट लॉस कोर एरिया होने चाहिए। अब सिर्फ कॉरपोरेट लॉ से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आप एक पूरे ग्रुप में काम कर रहे हो, तो आपको जुड़े हुए एस्पेक्ट्स भी पता होने चाहिए। थोड़ा बहुत अकाउंटिंग आना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग आना चाहिए, टैक्सेशन GST का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब भी एनसीलरी में उन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो कोर में देखो क्या है, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, दो तो है ही, वो तो हमेशा रहेंगे। फिर इंसॉल्वेंसी लॉ, वो भी कॉरपोरेट लॉज में ही आता है। फेमा एक बहुत बड़ा देखो लाया है उन्होंने कोर में, और एक है GST, ठीक है। GST भी इन्होंने कोर एरिया में माना है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर एनसीलरी और फिर हाइब्रिड, ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में। फिर है कि स्कीम क्या है, स्कीम क्या है, स्कीम में देखो इन्होंने एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जो कोई इंसान बात नहीं कर रहा, जिस पे पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहे, पर वो क्योंकि उनके ICSE विजन डॉक्यूमेंट में था, इसलिए मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ CSEET के बारे में, कि जितने भी अपडेट्स आए हैं ICSE के बारे में, एक भी बात कभी भी उन्होंने CSEET के बारे में नहीं कही है, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्ट्री अगर आप देखोगे, रिसेंटली उन्होंने CS फाउंडेशन का भी कोर्स रिवाइज किया है, अब भी पहला अटेम्प्ट न्यू का आ रहा है जून 2018, करेक्ट, वो अपने आप में न्यू था, और अभी और उन्होंने CSEET बोला तो और कन्फ्यूजन बढ़ गया। पर अभी CSEET के बारे में उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट के अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो मैं, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे कि अब CSEET में टाइम होगा, कि CSEET जो फीचर्स उन्होंने बताए थे, इतना आसान भी नहीं है उसको लॉन्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लगेगा, बरोबर, टेक्नोलॉजी बहुत लगेगी, तो डेवलप करने में टाइम लगेगा। वो उन्होंने फ्यूचर विजन बताई होगी, पर दो चीज़ें उन्होंने ला ली हैं, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है प्रोफेशनल, ठीक है। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं अपन, इसमें भी इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये न्यू सिलेबस काय का है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल है, पूरा CS कोर्स है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। तो एंट्रेंस एग्जाम है ही नहीं, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, मतलब जो CS फाउंडेशन जून 2018 जो अभी रिवाइज सिलेबस आया था, वो कंटिन्यू होगा जब तक CSEET नहीं आएगा, ठीक है। तो कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो उन्होंने देखो दिया है कि 8 सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव के और 9 सब्जेक्ट प्रोफेशनल के, यही न्यू सिलेबस है। फिर है यूनिक क्या है, तो वो सब भी डिस्कस कर चुके हैं अपन अभी, वो भी देखो दिया ही है क्या सब्जेक्ट्स के नाम होंगे, सब आप देख चुके हो, काफ़ी वीडियोस आप देख चुके हो, मैं रिपीट नहीं करूँगा। फिर है ये भी है, एक बहुत लोग जो बोल रहे थे कि क्या प्रोफेशनल से कंपनी लॉ हट गया है, ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइड करके और डिटेल में कवर किया गया है। तो ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि गया नहीं है, वो तो अपना कोर एरिया है, और डिवाइड करके काफ़ी डिटेल में उन्होंने डाल दिया है। फिर है एलोकेशन ऑफ मार्क्स भी ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉ भी ठीक है। अब जो ये एक है कि क्या है न्यू सिलेबस क्या है, देखो दो में ही डिवाइड किया है उन्होंने, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, ठीक है, कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में नहीं बोला है। फिर है ये भी अपन पढ़ चुके थे, कट ऑफ डेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मेरे दूसरे वीडियो आप देख सकते हैं। फिर है प्रायर वाले जो हैं, वो भी अपना स्विच ओवर करके कर सकते हैं, स्विच ओवर का पूरा डिटेल गाइडलाइन भी अभी आ चुका है। फिर है ये एक जो काफ़ी था, ये एक साइलेंट पार्ट था, अब ये बहुत लेट उन्होंने क्लैरिफाई किया है, जो काफ़ी लोग इस पे भी बोल रहे थे कि इफ़ आई रजिस्टर अंडर CS न्यू सिलेबस विल आई बी एबल
टू अपियर इन बोथ द मॉड्यूल्स इन December 18, कि अगर कोई बच्चे ने 1 मार्च के बाद रजिस्टर कराया है, क्योंकि आज दिसंबर में उसको बोथ ग्रुप मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा 28 फेब लास्ट डेट होता है बोथ ग्रुप फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव। तो इसमें काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उन्होंने खुद ही लिखा है कि 1 मार्च के बाद न्यू सिलेबस चालू होगा, तो 1 मार्च के बाद शायद वो बोथ ग्रुप देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कट ऑफ डेट सेम है। जो 28 फेब के पहले रजिस्टर हो चुके हैं वो कन्वर्ट होके December 18 में बोथ ग्रुप दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दे पाएगा। जिन्होंने 1 मार्च के बाद रजिस्टर किया है उनको एक ही ग्रुप मिलेगा, ठीक है? तो ये क्लैरिफाई किया है। नो, दिख रहा है ना क्या लिखा है? नो, यू कैन अपियर ओनली इन एनी वन ऑफ द मॉड्यूल ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ न्यू सिलेबस। लेकिन बोथ कौन दे पाएगा? जिसने क्या किया है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड प्रायर टू 1 मार्च, बराबर 28 फेब के पहले जो रजिस्टर हो गए हैं, एंड सब्सिक्वेंटली स्विच ओवर टू द न्यू सिलेबस ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2018 कैन अपियर फॉर बोथ द मॉड्यूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है? अभी अभी कोई डाउट नहीं है। तो जिन्होंने 28 फेब के पहले रजिस्टर करा लिया, फाउंडेशन वाले जो पास हुए थे या ग्रेजुएशन वाले जो थे, वो कन्वर्ट होके बोथ ग्रुप दे सकते हैं। नहीं तो 1 मार्च के बाद जो रजिस्टर हो रहा है वो सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन आ गया। अब है जो काफी लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे, सही भी था, पर अभी इन्होंने देखो क्लैरिफाई कर लिया है कि एमसीक्यू है या नहीं है। ठीक है, साफ लिखा है नो, एग्जीक्यूटिव में एक भी पेपर एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि अगर होते तो उन्होंने बता दिया होता। अज्यूम नहीं कर सकते कि पुराने सिलेबस के एमसीक्यू कंटिन्यू हो गए, समझ में आ रहा है क्या? तो काफी लोग अज्यूम कर रहे थे, तो अज्यूम बिल्कुल नहीं करना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर ही होते हैं, रिटर्न पेपर ही होते हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो उन्होंने इस बार कभी स्पेसिफाई नहीं किया कि एक भी पेपर एमसीक्यू है, समझ में आ रहा है? तो ये अज्यूम किया ही जा रहा था और उन्होंने बोल भी दिया, सब्जेक्ट्स कवर्ड अंडर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल न्यू सिलेबस विल बी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, नो एमसीक्यू, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे है, वो कंटिन्यू हो रहे हैं, उसमें भी अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उस पर भी अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है June 18 के लिए। आई डोंट नो अबाउट December 18, अभी तक कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो अभी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में एक भी एमसीक्यू नहीं है, ये सबसे बड़ा अपडेट आपको मुझे देना था। और फिर है कि जो स्विच ओवर करना चाहते हैं उनके लिए पूरा डिटेल प्रोसीजर नीचे भी इसमें अटैच्ड है, आप देख सकते हो। फिर जो स्विच ओवर करेंगे, अब जो स्विच ओवर करेंगे फिर उनको एग्जम्पशंस कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। अगर एक ग्रुप या कुछ सब्जेक्ट्स उनके एग्जम्प्ट है, 60+ उनको मिले थे और वो अब न्यू में भी एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए देखो डिटेल दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है ये जो पूरा स्विच ओवर स्कीम है। मैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव में डील करता हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव का आपको बता देता हूँ, प्रोफेशनली मैं अभी डील नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं। एग्जीक्यूटिव में देखिए क्या है कि अगर आपने ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ आपका एग्जाम था तो आपको नए में भी कंपनी लॉ मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कंपनी लॉ में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐड भी हुई हैं न्यू में, बट वो फिर भी उन्होंने एग्जम्पशन दिया है। फिर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जो अभी न्यू में तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, सिर्फ 25 मार्क्स का ही रखा हुआ है, वो भी बहुत थेरी लेवल पर रखा गया है। तो उसमें आपको सीधे देखो कौन सा एग्जम्पशन दिया है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो उसमें 25 मार्क्स का कॉस्टिंग है न्यू में, वो 25 मार्क्स आपको एग्जम्प्ट होगा। फिर ECL जो है, यहाँ पे भी ECL उनको मिलेगा। ठीक है, ECL ECL दिया है, काफ़ी चैप्टर शफल किए हैं इसके बावजूद उन्होंने एग्जम्पशन दिया है, बराबर, बहुत अच्छी बात की है। फिर है टैक्स लॉस, टैक्स लॉस मिल जाएगा। फिर है जो कंपनी अकाउंट्स वाले थे उनको भी यहाँ कॉर्पोरेट अकाउंट्स मिल जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी पार्ट सेम था। सेबी वाले को सेबी मिल जाएगा और ILGL वालों को कौन सा मिलेगा, जुरिस्प्रूडेंस, जो नया चैप्टर आया है, पर उसमें भी मेजोरिटी पार्ट पुराने सिलेबस का ही है। ठीक है, थोड़े शफलिंग हुए बट उन्होंने एग्जम्पशन दिया है, बहुत अच्छी बात की है। तो ये इस तरह से एग्जम्पशन होगा। ठीक है, तो और जो न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं, देखो उसका तो कोई एग्जम्पशन नहीं है, जो वो है सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइजेस है, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उसका कोई एग्जम्पशन नहीं है। वो दो सब्जेक्ट्स तो आपको देने ही हैं अगर आप स्विच ओवर करोगे तो, समझ में आ रहा है क्या? ध्यान देना, दो सब्जेक्ट्स का बर्डन ऐड होने वाला है, दो सब्जेक्ट्स का बर्डन ऐड होने वाला है। तो काफ़ी लोग, ये हो रहा है कि जो फर्स्ट ग्रुप पास थे ओल्ड में वो अब स्विच ओवर कर रहे हैं, तो वो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट एकदम दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का दिया ही है कि आपको नए सिलेबस में टोटल 8 है। ठीक है, नए सिलेबस में पूरे 8 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से देखो तुमको 4 एग्जाम मिल जाएंगे, पर 4 और देने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है क्या? टोटल 8 है ना, 8 में से 4 मिल गए, 4 और देने पड़ेंगे। फिर जो सेकेंड ग्रुप पास होंगे पुराने में, उनको नए में कितने मिलेंगे, 3, पर उनको 5 देने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो सोच के कन्वर्ट करना। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर एक दिया है कि प्री एग्जामिनेशन, ये भी बहुत बड़ा अपडेट मुझे देना था कि प्री एग्जाम किसको अप्लाई होगा। इसमें भी बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री एग्जाम जो न्यू में है उन्हीं को है, जो ओल्ड कंटिन्यू कर रहे हैं उन पे ये लागू नहीं हो रहा है। आई रिपीट, जो ओल्ड कंटिन्यू कर रहे हैं उन पे ये लागू नहीं हो रहा है, सिर्फ जो न्यू में रजिस्टर हो रहे हैं या न्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन में एक और पॉइंट आपको कंसिडर करना चाहिए कि जब आप न्यू में स्विच होंगे तो आपको प्री एग्जाम भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोच के कन्वर्ट होना। तो दिया है इसमें देखो, जो न्यू सिलेबस ऑप्ट कर रहे हैं, हु हैव रजिस्टर्ड अंडर न्यू सिलेबस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सक्सेसफुल प्री एग्जाम टेस्ट बिफोर द फाइनल एग्जाम। फिर है जो स्विच ओवर करेंगे, स्विच ओवर फ्रॉम 2012 टू 2017 सिलेबस शेल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड सक्सेसफुली टू कंप्लीट द ये टेस्ट। और फिर दिया भी है कि ये प्री एग्जाम पास किए बिना आप फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। साफ लिखा है, अंटिल अ स्टूडेंट डज नॉट पास प्री एग्जाम टेस्ट ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक अप द एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्री एग्जाम पार करना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है। सही में आपको बहुत मतलब अच्छा फील होना चाहिए एज अ सी एस स्टूडेंट कि आपके इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई अमेंडमेंट लाया है, क्योंकि अगर आप देखें काफ़ी लोग लास्ट में जागते हैं, तो ऐसे लोग क्या है कुछ कर नहीं पाते, पास नहीं होते, अटेम्प्ट अटेम्प्ट लगते हैं, पास हो भी गए तो ये प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे हर काम करने की आपको आदत लग गई है। पर रियल लाइफ में आपको हर काम कंटिन्यूस करना होता है, आपको अपडेटेड रहना होता है, आपको काम वेल बिफोर टाइम करने पड़ते हैं, तो वो आदत लगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप आईसीएसई ने आया है, ठीक है। तो दो बड़े अनाउंसमेंट थे मेरे, एक था कि एमसीक्यू नहीं है, क्लैरिफाई हो गया, और सेकंड प्री एग्जाम टेस्ट जो ओल्ड कंटिन्यू कर रहे हैं उन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, जो न्यू में डायरेक्ट आ रहे हैं उन पे अप्लाई होगा, और जो ओल्ड से स्विच होंगे न्यू में उनको भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये दो अपडेट्स आपको देने थे। कुछ और अगर आपके क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आईसीएसआई देते रहेगा, ठीक है। थैंक यू।